आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव होने में जो पहले चरण का मतदान है वो केवल एक दिन बचा हुआ, ऐसे में जितने भी नेता हैं वो लगातार अपने चुनावी प्रचार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो चुनावी प्रचार है उनका वो तेज कर दिया है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार नालंदा के अस्थावा विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित कर रहे हैं और जनता से क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। आप हमारे हैं और हम आपके, हम तो सिर्फ आपको नमस्कार करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं और यह अनुरोध करने आए हैं कि भाई हम तो शुरू से सेवा करते रहे, आपने हमको कोई कम इज्जत दी है? सांसद तक बनाया, क्या इज्जत हमको नहीं दी है? हर प्रकार से इज्जत दी है। जो पार्टी बनाकर हमने काम करना शुरू किया उसमें कितना आप लोग सब लोगों ने सहयोग दिया, इसलिए हम इसको भूल सकते हैं? जब तक जीवित हैं हम आप लोगों के हित में काम करते रहेंगे, हमको और कुछ नहीं कहना। और हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है, मैं किन बातों की चर्चा करूं? एक एक काम, हर प्रकार से लोगों को सेवा करने का, जो हम लोगों को सेवा करने का आप लोगों ने जो मौका दिया, हमने उसके आधार पर पूरे बिहार में काम किया, इस जिले में काम किया और यहां पर जितना काम हुआ है हमारे साथियों ने कुछ चर्चा की है, आप सबको पता है, चाहे स्कूल का हो, संस्थानों का हो, अस्पताल का हो, सड़क का हो, पुल का हो, पुलिया का हो, सिंचाई के क्षेत्र में काम हो, बिजली के क्षेत्र में काम हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना कायम रखने की बात हो, हर जगह हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है और जो भी आप लोगों ने समय दिया हम लोगों ने सेवा की। चुनाव के बाद हम एक बार आपके सारे प्रखंड में हम जाएंगे और आप लोगों के साथ संवाद करेंगे, अगर कोई और काम बचा हुआ है उसके लिए हम काम करेंगे, इतना ही हम कहने आए हैं। और अगली बार तो हम क्या बताएं, एक एक काम तो देख लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब उसके बाद हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। तो आपने सुना सीएम नीतीश कुमार अस्थावा विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बिहार की जनता उन्हें फिर से एक बार मौका देगी तो वो बिहार को विकास की राह पर ले जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।